बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिणीति अपना बेबी बम्प छिपाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले काफी समय से परिणीति चोपड़ा के प्रेग्नेंट होने की खबरें बॉलीवुड गलियारों में जोरों शोरों से गुजर रही हैं और इन तस्वीरों में राघव और परी पहले मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए और फिर बाहर आने के बाद दोनों मीडिया से बचते हुए कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिणीति अपना बेबी बम्प छिपा रही हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को लंबे वक्त के बाद एक साथ स्पॉट किया गया। राघव के विदेश से लौटने के बाद ये स्टार कपल आज सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचा, जहां पर दोनों साथ में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आए। कहा जा रहा है कि परिणीति और राघव अपने आने वाले बच्चे के लिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में दर्शन के बाद परी और राघव मीडिया से बचते हुए नजर आए। दोनों ने पापाराजी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। यहां पर परिणीति ऑफ व्हाइट कलर के लूज अनारकली सूट में नजर आई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपना बेबी बम्प छिपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा था। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो परिणीति चोपड़ा को आखिरी बार दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म चमकीला में देखा गया था। तो दोस्तों, आपकी परिणीति चोपड़ा की प्रेगनेंसी पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।